हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, एज यू नो दैट इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड डन पास्ट इन डेफिनेट एंड पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस इन पास्ट सीरीज, एंड इट इज़ द थर्ड टेंस इन पास्ट सीरीज, पास्ट परफेक्ट टेंस. वी यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस. टू एक्शंस हैपन्ड इन द पास्ट, फर्स्ट फिनिश्ड बिफोर एंड सैकेंड लेटर. मान लो दो एक्शन पास्ट विच होए, एक पहला खत्म हो गया अते दूसरा बाद विच खत्म होया. क्लीयर? वी यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद फस्ट फिनिश्ड एक्शन. जो पहला खत्म होया एक्शन उस दे नाल असी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करांगे, एंड सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विद लेटर एक्शन. जो बाद विच खत्म होया उस नाल की है सैकेंड फॉर्म यूज करांगे. क्लीयर? दो एक्शन पास्ट विच होए, इकट्ठे होए दो एक्शन, एक पहला खत्म हो गया उस दे नाल पास्ट परफेक्ट यूज करांगे, मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगावांगे, अते जो बाद विच खत्म होया उस दे नाल की करांगे असी सैकेंड फॉर्म यूज करांगे. फॉर एग्जाम्पल, हेयर आर सम सेंटेंसेस फॉर यू. द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड. फसलां नष्ट हो चुकियां सन बरसात होने तो पहला. हुण ये वेखो, फसलां नष्ट हो चुकियां सन, यह कोई गल कह रहा है कि फसलां नष्ट हो चुकियां सन बरसात होने तो पहला. इस विच आपां नूं क्लीयर हो रहा है कि पहला एक्शन किहड़ा होया, फसलां दे नष्ट होने वाला. बरसात बाद विच पई, पर वह अपनी एक ही गल विच यह दोनों वर्ब्स नूं इनकलूड कर रहा है. गल एक कह रहा है पर उहदे विच की आ रही है, दो वर्ब्स आ रही हैं. तां आपां देखांगे किस नाल असीं हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाउणी है ते किस नाल सैकेंड फॉर्म यूज करनी है. हुण क्रॉप्स पहला नष्ट हो गई सन, तां उहदे नाल असीं की लगा दिता, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड. इत्थे असीं सैकेंड फॉर्म यूज कर ली, बरसात होण तों पहला. द बैल हैड रंग बिफोर आई रीच स्कूल. बैल वज चुकी सी मेरे स्कूल पहुँचण तों पहला. इस विच भी क्लीयर हो रहा है, एक सेंटेंस दे विच दो वर्ब्स आ रही हैं. पहली वर्ब की है कि बैल वज चुकी सी, सैकेंड वर्ब की है मेरे स्कूल पहुँचण तों पहला. तो इस विच पहला एक्शन किहड़ा होया, बैल वजन वाला एक्शन पहला होया ना, तो असी की यूज कर लिया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया. जो पहला वर्ब हुई, पहला जो क्रिया हुई उस दे नाल असी हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर ली. द बैल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल. थर्ड सेंटेंस इज, वैन शी रीच्ड देयर. जब वह उत्थे पहुंची, द डिनर हैड स्टार्टड. डिनर स्टार्ट हो चुका सी. हुण वेखो, उसके पहुंचण तों पहला स्टार्ट हो चुका सी डिनर, तो जो वर्ब पहला स्टार्ट हुई तो उस दे नाल असी हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिती, तो जो बाद विच हुई वह बाद विच पहुंची सी उत्थे असी सैकेंड फॉर्म यूज कर ली. When she reached there, जदों वह उत्थे पहुंची, the dinner had started. Dinner start हो चुका सी. Fourth sentence is, she had left her office. उसने अपना ऑफिस छड दिता सी. When he came, जद वह आया. Means ऑफिस वह पहला ही छड के चली गई सी जद वह आया. तो जो पहला वर्ब हो चुकी सी, जो पहला एक्शन हो चुका है उसके नाल had plus third form use कर ली. I came when he had gone. मैं आया जब वह जा चुका सी. मैं बाद विच आया ना, वह पहला ही जा चुका सी. जो काम पहला हो चुका सी उसके नाल हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर दिती. ओके, नैक्सट इज, वैन विद एज इफ, शी विशिज, ही विशिज, आई विश, वी विश, एटसैक्ट्रा. ये बेटे तुसी याद रखने है कि होर असी कित्थे पास्ट परफेक्ट यूज कर लें. जिस तरह एज इफ आ जाए, शी विशेज, ही विशेज, आई विश, वी विश, एटसैक्ट्रा. टू डिस्क्राइब एनी इमेजनरी थिंग, कोई काल्पनिक गल नूं जब असी डिस्क्राइब करते हैं ना, इमेजनरी थिंग नूं डिस्क्राइब करते हैं, वी यूज पास्ट परफेक्ट, मीनस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ही विशेज, ही हैड बीन बॉर्न इन 1947. वह इच्छा करता है कि उसका जन्म कदों होया हुंदा, 1947 विच होया हुंदा. क्लीयर? जब कोई इच्छा करते हैं ना असी, तो उस सेंटेंस दे विच भी की है पास्ट परफेक्ट यूज कर लें. इफ द पुलिस हैड कम, जेकर पुलिस आई हुंदी आ लिटल बिफोर, कुछ समा पहला आ गई हुंदी. इफ जिथे यूज कर लईए, इफ दे बाद भी असी की यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट. इफ द पुलिस हैड कम,
आ लिटल बिफोर कुछ समय पहला आ गई होंगी द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे तो क्रिमिनल ने चले नहीं जाना सी मीनस इफ यूज कर लिया मैं तो दसिया एज इफ आ जाए इफ यूज कर लीए या विशेज वगैरह यूज कर लीए तो उस तो बाद असी की है पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं जब कोई अपनी इमेजिनरी गल शो करते हैं काल्पनिक गल भी इस तरह होया नहीं जेकर इस तरह हो जाता तो क्लीयर शी टॉक्स टू मी एज इफ शी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री कल्पना कर रहा वो मेरे नाल इस तरह गल करती है जिमें कि वह किसी फिल्म इंडस्ट्री तो आई हो भी असी पास्ट परफेक्ट यूज कर लिया ओके नैक्सट इज वन टू एक्शन हैपनड इन द पास्ट एट द सेम टाइम एंड देयर इज नॉट एनी टाइम गैप बिटवीन दैम दो एक्शन होए हैं पास्ट विच पर दोवां दे विच कोई टाइम का गैप नहीं आया एंड सैकेंड स्टार्टर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट अते सैकेंड कदों स्टार्ट हो गया तुरंत बाद स्टार्ट हो गया पहले दे खत्म होने तो नाल दी नाल ही स्टार्ट हो गया सैकेंड एक्शन दैन वी यूज पास्ट इनडेफिनेट फॉर बोथ द सेंटेंस फिर असी दोवें सेंटेंस के लिए कि पास्ट इनडेफिनेट यूज करांगे इस तो पहला तो मैं दस्या सी कि दो एक्शन पास्ट विच होए उन्हां दोनों एक्शन के विचों एक पहला खत्म हो गया उस दे नाल असी पास्ट परफेक्ट यूज करांगे अते जो बाद विच खत्म होया पास्ट इनडेफिनेट यूज करांगे क्लीयर पर जेकर पास्ट विच दो एक्शन होए दोनों एक्शन के विच कोई टाइम का अंतराल नहीं है कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है फर्क नहीं कोई आया विच इकट्ठे ही दोनों होए तो असी दोवें एक्शन के नाल ही की यूज करांगे पास्ट इनडेफिनेट वैन आई बिगैन टू टीच हिम जब मैं उसनू पढ़ाना शुरू किया ही बिगैन टू लिसन केयरफुली उसने ध्यान सुनना स्टार्ट कर दिता हूँ वेखो ये तो नहीं होया ना कि उसने पढ़ाना शुरू कर दिता वो पाँच चार मिनट बाद ध्यान सुनना स्टार्ट करेगा इस तरह नहीं किया उसने नाल दी नाल ही की है स्टार्ट कर दिता सुनना तो इस दे विच असी की है दोनों सेंटेंस दे नाल की यूज करांगे पास्ट इनडेफिनेट वैन ही बिगैन टू बीट हिम जब उसने उसनू कुटना शुरू कर दिता ही बिगैन टू अब्यूज हिम उसने उसनू गाला कढ़नियां शुरू कर दित्तियां मीनस ये तो नहीं होया ना कि वह बाद विच उसनू अब्यूज करूगा नाल दी नाल ही उसने अब्यूज करना शुरू कर दिता मीनस दोनों एक्शन की है एको समय ही स्टार्ट हो गए तो दोनों दे नाल असी की यूज करांगे पास्ट इनडेफिनेट नैक्सट इज वी होप टू डू सम वर्क इन द पास्ट सानू आस सी कोई काम करन दी पास्ट दे विच कोई आस सी सानू बट इट डिड नॉट फुलफिल्ड पर वो पूरी नहीं हुई टू डिस्क्राइब सच काइंड ऑफ थिंग वी यूज पास्ट परफेक्ट विद वर्ब्स लाइक होप एक्सपेक्ट थिंक इंटेंड सपोज एटसेट्रा क्लीयर पास्ट विच सानू की है कोई होप सी कि आ काम असी करिए पर वो पूरा नहीं हो सकिया क्लीयर अते वर्ब्स किस तरह दियां इस विच आ जांदियां हन जिमें होप मैनु आस सी एक्सपैक्ट मैं मानता सी थिंक मैं सोचता सी इंटेंड मेरा इरादा सी सपोज मैं ये मानता सी पर वो होया नहीं क्लीयर कुछ मानते सी असी कुछ आस करते सी होप सी सानू पर वो पूरी नहीं हुई इस तरह दिया वर्ब दे नाल भी की असी पास्ट परफेक्ट यूज कर लैने आई हैड होप्ड पास्ट परफेक्ट बन चुका हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी मी मैनू आस सी कि वह मैनू मिलन दे लई आवेगा यह आस इसकी पूरी नहीं हुई होनी तो इसने की यूज किया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही हैड एक्सपैक्टेड टू सी मी उसने आस की सी मैनू मिलन की बट ही फैल इल पर बीमार हो गया उसकी आस पूरी नहीं हुई यह जो उसने होप की सी एक्सपैक्ट किया पूरा नहीं हो सकया फिर भी असी की यूज करांगे पास्ट परफेक्ट वी यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म इन पास्ट परफेक्ट टेंस हुण तक तुहानू पता लग ही गया होना कि सिंपल पास्ट परफेक्ट विच की यूज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म टू कन्वर्ट इट इन टू नैगेटिव नॉट इज यूज विद हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिमेनस एज इट जिमें पहला सी एज इट वॉज जिमें पहला सी उसे तरह ही थर्ड फॉर्म रहिंदी है सिर्फ नॉट आपां यूज कर लेना है हैल्पिंग वर्ब हैड दे नाल टू कन्वर्ट इट इन टू इंटरोगेटिव हैड इज यूज बिफोर सबजैक्ट हैड कितने यूज कर लें इंटरोगेटिव दे विच सबजैक्ट दे अगे यूज कर लें थर्ड फॉर्म उसे तरह ही रहिंदी है जिस तरह पहला सी नोट वी यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म वैदर सबजैक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल तुसीं इह नहीं वेखना कि सबजैक्ट सिंगुलर है जां सबजैक्ट प्लूरल है असी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही यूज करांगे
जिस तरह तुहानू याद होना कि प्रेजेंट परफेक्ट विच असी की करदे सी, जेकर सबजैक्ट सिंगुलर सी तां असी हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज करदे सी, अते जेकर सबजैक्ट प्लूरल सी असी हैड प्लस थर्ड फॉर्म सॉरी हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कीता सी। पर पास्ट परफेक्ट विच की करना है, सिर्फ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, सबजैक्ट चाहे सिंगुलर है जां प्लूरल है। हेयर इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू, सप्लाई द करैक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। ओके, असी इत्थे करैक्ट पास्ट टेंस लाउणा है कि पास्ट इनडेफिनेट लगाइए जां पास्ट परफेक्ट लगाइए, यह असी डिसाइड करांगे हुण। द रेन डैश वैन ही डैश टू सी मी, हुण की क्लीयर हो रहा है, तुहानू वर्ब दित्तियां स्टॉप अते कम। द रेन हैड स्टॉप्ड, असी यह कह सकते हैं बरसात बंद हो चुकी सी, वैन ही केम टू सी मी, कम की आप सैकेंड फॉर्म कर देंगे पास्ट इनडेफिनेट विच इसनों कन्वर्ट कर देंगे, वैन ही केम टू सी मी। यह सेंटेंस की शो कर रहा सानू कि बरसात बंद हो चुकी सी, एक काम खत्म हो चुका सी, दूसरा बाद विच होया, इकट्ठे नहीं होए दोनों, एक खत्म हो चुका सी, दूसरा बाद विच होया, जो पहला हो चुका सी उस दे नाल असी हैड प्लस थर्ड फॉर्म विच उसनों कन्वर्ट कर दिता, पास्ट परफेक्ट बना दिता। क्लीयर। नैक्सट इज आई डैश माई वर्क वैन रमन डैश टू सी हर, आई डैश माई वर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, इतने वर्ब दिती है तुहानू फिनिश, असी ये लिख सकते हैं दो वर्ब दिती हुई फिनिश अते काम दिता होया है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका सी, वैन रमन जद रमन केम टू सी हर, जदों रमन की है उसनू मिलन दे लई आई, मीनस जो आई इत्थे है सबजैक्ट इस दे नाल कुछ होर कोई होना है उसका ब्रदर जां सिस्टर, तो आई की कह रहे ने इत्थे कि मैं अपना काम खत्म कर चुका सी, वैन रमन केम टू सी हर, जदों रमन है उसनू मिलन आई, हो सकता आई का कोई ब्रदर सिस्टर होना है जिसनू वह मिलन आई सी। ओके, द पेशेंट इत्थे डैश बिफोर द डॉक्टर डैश, दो वर्ब दित्तियां ने डाई अते कम, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका सी, बिफोर द डॉक्टर केम, कम दी असी केम बना देवांगे, हुण देखो पेशेंट पहला मर चुका सी, डॉक्टर दे आउण तों पहला मर चुका सी, जो वर्ब पहला हो चुकी सी, जो एक्शन पहला हो चुका सी, उसनू हैड प्लस थर्ड फॉर्म असी यूज कर लिया। द ट्रेन डैश बिफोर वी डैश द स्टेशन, दो वर्ब दित्तियां ने लीव अते रीच, द ट्रेन हैड लैफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, साढ़े स्टेशन पर पहुँचने तो पहला ट्रेन जा चुकी, जो काम पहला हो चुका सी उसनों हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। ही डैश फॉर अ वॉक आफ्टर ही डैश हिज डिनर, ओके ही डैश दो वर्ब दित्तियां गो अते ईट, ही डैश फॉर अ वॉक आफ्टर ही डैश हिज डिनर, हुण देखो डिनर उसने पहला किया, वॉक उपर बाद विच गया, आफ्टर लग्या होया है, आपां की कहांगे ही वेंट फॉर अ वॉक, वह सैर लई गए, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर, जब उन्होंने अपना डिनर फिनिश कर लिया सी, इसका मतलब की है जो नैक्सट ब्लैंक दिती हुई है उस विच असी हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करांगे, असी यही डिसाइड करना है कि किस वर्ब दे विच किस ब्लैंक दे विच असी हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है, किस विच सैकेंड, जो एक्शन पहला होया हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जो बाद विच होया सैकेंड फॉर्म। ओके, द सन डैश बिफोर वी सैट आउट, राइज वर्ब दिती हुई है, द सन हैड राइजन बिफोर वी सैट आउट, साढ़े बाहर निकलने तो पहला सूरज निकल चुका सी। क्लीयर, जो काम पहला हो चुका सी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, हेयर आर सम मोर वर्ड्स फॉर यूर प्रैक्टिस, यू कैन डू इट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज सेंटेंस यू कैन कॉन्टैक्ट मी, थैंक्स।